एक्टिविटी 12.2। रीड द टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको भाई टाइम रीड करना है क्लॉक का और फिल इन द ब्लैंक करना है। तो जो फर्स्ट क्लॉक है उसमें हार हैंड है 2 और 3 के बीच में, और जो मिनट हैंड है वो है 5 और 6 के बीच में। तो हार हैंड तो हम 2 ही डिनोट करेंगे, और मिनट हैंड हम कैसे काउंट करेंगे, 5 की स्किप काउंटिंग से। मैंने आपको सिखाया है, आप सेल्फ करेंगे टाइम, ताकि आपकी टाइम की प्रैक्टिस होगी, आपको सेल्फ करना है। तो इसमें आप टाइम को राइट करना है आपको इस एक्टिविटी में, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 12.3, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ मिनट। अब हमको मिनट की इम्पोर्टेंस बता रहा है, क्योंकि 1 मिनट भी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं, 1 मिनट की भी इम्पोर्टेंस है। तो कहाँ है देखिए, फॉर एग्जाम्पल, If you are late by a minute when you have to catch a train, you would miss the train. जैसे कि हमको ट्रेन से कहीं ट्रैवलिंग करनी है, ट्रेन से कहीं जाना है, अब अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए, ट्रेन तो अपने एग्जैक्ट टाइम पर आती है, ट्रेन का टाइम फिक्स होता है, ऐसे थोड़े ना मन मर्जी कभी भी आ जाती है, उसकी इच्छा हो गई तो आ गई, उसकी इच्छा नहीं हुई तो नहीं आई, ऐसा नहीं होता है, ट्रेन का टाइम फिक्स होता है। तो अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो हम क्या करते हैं, ट्रेन को मिस कर देते हैं। तो ऐसे ही हमको इसमें का क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आप 1 मिनट लेट हो जाते हैं और आपको ट्रेन पकड़नी है तो क्या होगा, आप ट्रेन को मिस कर देंगे। थिंक ऑफ 2 सिमिलर सिचुएशंस व्हेन अ मिनट इज इम्पोर्टेंट एंड लिस्ट देम। तो आपको यहाँ पे वही ऐसी 2 सिचुएशंस बतानी है जहाँ पर आप इस तरह से हो, यानी कि सिमिलर सिचुएशन की आपको, आप 1 मिनट के लिए लेट हो गए और आपकी वो चीज़ मिस हो गई, जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल इसने दिया। तो इसी तरह आपको सम और एग्जाम्पल देने, 2 और एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि आप दे सकते हैं, व्हेन वी हैव टू कैच अ फ्लाइट, अगर हमको फ्लाइट से, एरोप्लेन से कहीं जाना है और हम 1 मिनट के लिए भी लेट हो गए तो हम फ्लाइट को भी मिस कर देंगे, फ्लाइट हमारे लिए थोड़ी ना वेट करेगी। तो हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, व्हेन वी हैव टू कैच अ फ्लाइट, अगर हमको जब फ्लाइट पकड़नी हो, फ्लाइट से कहीं जाना हो, ठीक है। ऐसे ही When we have to reach school, स्कूल में भी कई बार होता है ना कि टाइम फिक्स है, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो गेट आपको क्लोज मिलता है, आपको अंदर एंट्री ही नहीं देते हैं स्कूल में, कि आप लेट हैं, आप 1 मिनट लेट हैं, आप 2 मिनट लेट हैं। तो हम स्कूल का भी एग्जांपल दे सकते हैं, When we have to reach school, जब हमको स्कूल पहुंचना हो और हम 1 मिनट लेट हो जाएं तो डोर हमको क्लोज कर देते हैं स्कूल का, फिर फाइन होता है। तो इस तरह से, या और भी कोई दूसरे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अपनी चॉइस से इसमें। तो इसमें आपको अपनी चॉइस से राइट करने हैं, कुछ ऐसा सोच के कि जहाँ हम 1 मिनट लेट हो रहे हों और हम वो चीज़ मिस कर दें, जैसे कि, है ना। तो इस तरह से, तो ये आपका आज का होमवर्क है। एक्टिविटी 12.1, 2 और 3 करनी है आपको इन द होमवर्क।